देखो बात उस बात पे नहीं हुई, बार बार बिट्टू जी उनको टोक रहे थे और बिना बात के टिप्पणियाँ कर रहे थे। तो चन्नी जी ने कुछ कहा तो फिर उन्होंने कहा मैडम सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहने लगी, तो हमने बोला कि ऐसा आपको बोलना नहीं चाहिए, जिस प्रकार से आपकी शब्दावली है ये आपको शोभा नहीं देता। आपने अभी तक 3 बार कांग्रेस से आप संसद बने हो, तो आप तो हारे हुए हो भैया, हारे हुए को मंत्री बनाया हुआ है, और लेकिन आप इस तरीके से किसी के बारे में जो हाउस में नहीं है टिप्पणी नहीं कर सकते। तो उनको गुस्सा आया, वो कहने लगे कि आ जाओ, बल्कि लड़ने के लिए तैयार हो गए, हाथ मार के कह रहे कि आओ आओ, फिजिकल हो गए, नहीं 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 अपनी चेयर से उठकर आगे लड़ने के लिए। अच्छा। ऐसा एक मंत्री का ऐसा व्यवहार हो मैंने तो पहली बार देखा है कि चुना हुआ बंदा जो 15 साल से देश की संसद में वो इस तरीके का व्यवहार करे हमारे साथ, ये अच्छा नहीं है। सर सोनिया गांधी के लिए क्या इस्तेमाल किया, किन शब्दों का उन्होंने? तो मेरे को लगता है कि जो बहुत ही निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल सोनिया जी के लिए कहा, जब अंग्रेजों की कुछ ऐसी बात कर रहे थे चन्नी साहब, तो इन्होंने कुछ ऐसी वैसी टिप्पणी की जो तो पूरी मेरे को लगता है कि सदन ने उसकी निंदा की कि इस तरीके का, वो हमारी माँ जैसी हैं और वो उनके पाँव छुआ करते थे कभी कभी, कभी कभी की रोज कहते थे कि मेरा तो जीवन आपके कांग्रेस के लिए है। तो मेरे को लगता अपने आप को प्रूव कर रहे थे कि मैं अब भाजपा ही हो चुका हूँ, लाइसेंस ले रहे थे। वो कह रहे हैं ना कि नया नया गया पर अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता है। तो मेरे कहने का मतलब कि इस प्रकार का चुने हुए संसद का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ, मेरे को लगता है कि बिट्टू जी को इस व्यवहार के लिए खड़े होकर माफी मांगनी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया कि वो अमृतपाल के लिए कि वो चुना हुआ नुमाइंदा है, 20 लाख उन्होंने चुना, उसको आने नहीं दिया जा रहा, वो तो देश विरोधी एक तरह से उनके ऊपर एक कानून लगा हुआ है। देखो जिस प्रकार मैं किसी ऐसी चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को संविधान में पूर्ण विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो जिस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार की हर व्यक्ति के लिए लिबर्टी है वो उनको मिलनी चाहिए, बी इट अमृतपाल बी इट कोई और, और कानून की उल्लंघना कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और व्यक्ति है। लेकिन हाँ, ये मेरा ज़रूर मानना है कि संविधान के मुताबिक जो अमृतपाल जी को सुख सुविधाएँ जब मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए ना, मैं उनके कि मैं संविधान से ऊपर नहीं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। क्या कहें, देखो बात उस बात पे नहीं हुई, बार बार बिट्टू जी उनको टोक रहे थे और बिना बात के टिप्पणियाँ कर रहे थे। तो चन्नी जी ने कुछ कहा तो फिर उन्होंने कहा मैडम सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहने लगी, तो हमने बोला कि ऐसा आपको बोलना नहीं चाहिए, जिस प्रकार से आपकी शब्दावली है ये आपको शोभा नहीं देता। आपने अभी तक 3 बार कांग्रेस से आप संसद बने हो, तो आप तो हारे हुए हो भैया, हारे हुए को मंत्री बनाया हुआ है, और लेकिन आप इस तरीके से किसी के बारे में जो हाउस में नहीं है टिप्पणी नहीं कर सकते। तो उनको गुस्सा आया, वो कहने लगे कि आ जाओ, बल्कि लड़ने के लिए तैयार हो गए, हाथ मार के कह रहे कि आओ आओ, फिजिकल हो गए, नहीं 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 अपनी चेयर से उठकर आगे लड़ने के लिए। अच्छा। ऐसा एक मंत्री का ऐसा व्यवहार हो मैंने तो पहली बार देखा है कि चुना हुआ बंदा जो 15 साल से देश की संसद में वो इस तरीके का व्यवहार करे हमारे साथ, ये अच्छा नहीं है। सर सोनिया गांधी के लिए क्या इस्तेमाल किया, किन शब्दों का उन्होंने? तो मेरे को लगता है कि जो बहुत ही निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल सोनिया जी के लिए कहा, जब अंग्रेजों की कुछ ऐसी बात कर रहे थे चन्नी साहब, तो इन्होंने कुछ ऐसी वैसी टिप्पणी की जो तो पूरी मेरे को लगता है कि सदन ने उसकी निंदा की कि इस तरीके का, वो हमारी माँ जैसी हैं और वो उनके पाँव छुआ करते थे कभी कभी, कभी कभी की रोज कहते थे कि मेरा तो जीवन आपके कांग्रेस के लिए है। तो मेरे को लगता अपने आप को प्रूव कर रहे थे कि मैं अब भाजपा ही हो चुका हूँ, लाइसेंस ले रहे थे। वो कह रहे हैं ना कि नया नया गया पर अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता है। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब कि इस प्रकार का चुने हुए संसद का व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ, मेरे को लगता है कि बिट्टू जी को इस व्यवहार के लिए खड़े होकर माफी मांगनी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कह दिया कि वो अमृतपाल के लिए कि वो चुना हुआ नुमाइंदा है, 20 लाख उन्होंने चुना, उसको आने नहीं दिया जा रहा, वो तो देश विरोधी एक तरह से उनके ऊपर एक कानून लगा हुआ है। देखो जिस प्रकार मैं किसी ऐसी चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को संविधान में पूर्ण विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो जिस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन में जिस प्रकार की हर व्यक्ति के लिए लिबर्टी है वो उनको मिलनी चाहिए, बी इट अमृतपाल बी इट कोई और, और कानून की उल्लंघना कोई नहीं कर सकता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और व्यक्ति है। लेकिन हाँ, ये मेरा ज़रूर मानना है कि संविधान के मुताबिक जो अमृतपाल जी को सुख सुविधाएँ जब मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए।
ना मैं उनके कि मैं संविधान से ऊपर नहीं हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। सर क्या कहें?